2 साल जो स्कूल नहीं गए उस समय की और लॉकडाउन के समय की फीस टोटल उन्होंने बताया 90,000। 90,000। तो ये पैसों की वजह के कारण ये इनके बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाए। कितना समय तक नहीं जा पाई? 2 साल तक इनके 2 साल बच्चों के खराब हो गए पैसों की वजह से। उस 18 सितंबर की जो बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग थी उसमें जब ये शांस से आए कि परमेश्वर तेरे दास के मुंह से आया कि वो मीटिंग बड़ी ब्लेस्ड है, प्रार्थना करके आए। सालों का बंधन था बच्चों का, उस दिन वो खुला और उसी दिन ये भाई साहब का। इसलिए तारीफ करो। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सीमा है और इनके साथ इनके हस्बैंड और इनके बच्चे हैं और इनके बच्चों की गवाही जे बता रहे हैं कि 2 साल हो गए थे कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और ना जाने का कारण जे था जे बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय इनके बच्चों की जो फीस थी जे नहीं दे पाए थे और जे बता रहे हैं कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे और उनका कहना था कि आपके लॉकडाउन के समय की फीस और 2 साल की जो फीस वो इकट्ठी है और उन्होंने टोटल इनको बताया कि आपके जो पैसे वो 90,000 रुपये आए। तो जब तक आप पैसे क्लियर नहीं करोगे, इनकी फीस क्लियर नहीं करोगे, तब तक हम आपके बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते। तो जिसके कारण जे सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि 2 साल इनके बच्चों के खराब हो रहे थे और जो बता रहे कि लगातार तो जो स्कूल में नहीं जा पा रहे थे पर बीच बीच जब बच्चों के एग्जाम आते थे तो जो कुछ पैसे दे देते और स्कूल वाले फिर बच्चों के पेपर लेते थे और जो बता रहे हैं कि जिसके कारण जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इनके बच्चे रोज स्कूल नहीं जा पा रहे थे और बच्चों का साल भी 2 साल भी ऐसे खराब हो चुके और जो बता रहे कि इन्होंने फिर परमेश्वर के आगे जो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि जो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है पॉजिटिव विश्वास और एक अच्छे अंगीकार में जो बने रहे और जो बता रहे कि इसके लिए इन्होंने जो इनके गाँव का सरपंच था वो भी इनके साथ स्कूल में गया था तो स्कूल वालों ने जो प्रिंसिपल था फिर भी इन्होंने इनकी बात को नहीं माना। वो कहते थे कि जब तक आप 90,000 रुपया क्लियर नहीं करोगे हम आपके बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते। तो इन्होंने उनको बोला कि हमारे पास 15,000 रुपया है हम वो दे सकते हैं और पर फिर भी जो बता रहे कि प्रिंसिपल नहीं मान रहे थे जिसके कारण जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, बच्चे भी इनके परेशान हो रहे थे कि सभी ऐसे बच्चे स्कूल जाते और हम घर में रहते। फिर इन्होंने सोचा कि हम जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को ऐसे एडमिशन कराते और जो बता रहे जब इन्होंने अपने गांव में स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने इनसे बोला कि आप स्कूल छोड़ने का पहले सर्टिफिकेट लेकर आए और जो बता रहे कि जब फिर से जो स्कूल में गए तो प्रिंसिपल मैडम इनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला कि जब तक आपके पैसे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो हम सर्टिफिकेट काट कर देंगे और ना ही हम आपके बच्चों को जहाँ पर रख सकते हैं। और जिसके कारण फिर इन्होंने इसके लिए लगातार परमेश्वर के दास के साथ जब पर्सनल मीटिंग की तो जो बता रहे कि खुदा के दास हर समय इन्हें टीच करते थे कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो और परमेश्वर जानते क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर को आपके बच्चों के आने वाले टाइम के लिए सब कुछ पता है और आप परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थना में रखें, परमेश्वर निश्चय इसका आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। तो जो बता रहे कि जैसे जे फिर विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते क्योंकि वो तो इंसान है वो भी बात नहीं मारे, तो जैसे जे विश्वास करते रहे धन्यवाद देते रहे। तो इन्होंने बताया कि जब इन्होंने 18 सितंबर एनिवर्सरी की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड करनी थी तो उससे पहले खुदा के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड था कि जो 18 सितंबर की मीटिंग है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मीटिंग है। तो जो बता रहे हैं सिस्टर के जो घर से प्रार्थना कर आए कि खुदा आज ही आप मेरे जीवन से जो बोझ है परेशानी है मुझे इस बोझ से आजाद करेंगे क्योंकि खुदा के दास के द्वारा उस दिन जब भी परफेक्टिक वर्ड था कि जो लोग ले एंड कराना चाहते उनके लिए उनके फॉर्म फिल होंगे। तो जो बता रहे कि इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की घर से कि खुदा जब आपके दास का हाथ मेरे बच्चे
आपके लिए आएगा, उस पर लैंड होगी तो निश्चय जो रुकावट आ रही परेशानी तो उससे भी परमेश्वर आप हमें फ्री करेंगे। और जब बता रहे कि उससे पहले जो कि जो भट्ठे का काम करते हैं और इन्होंने पहले जो मूदल गांव में काम कर रहे थे और आज से कुछ महीने पहले जो गग्गो माल ऐसे गाँव है वहां पर जो अपना काम करने के लिए वहां भी गए, तो जो बता रहे वहां पर भी स्कूल में एडमिशन के लिए इन्होंने उनसे बात की पर वहां पर भी इनकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। बेटी की तो एडमिशन हो गई थी फिफ्थ क्लास का, जो कि उसका भी जो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं मिला, पर उसका जो रोल नंबर था उससे इसकी एडमिशन हो गई थी क्योंकि उन्होंने इसका जो सर्टिफिकेट वो निकाल लिया था ऑनलाइन ही, पर इनके बेटे की एडमिशन नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने जैसे जी प्रार्थना की, धन्यवाद किया कि जब मैं इस मीटिंग को अटेंड करूंगी तो निश्चय परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। और जैसे इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और जब परमेश्वर के दास के द्वारा उस दिन लैंड हुई, हम उस समय की पिक को देख सकते हैं, और जैसे इनके लिए लैंड प्रार्थना हुई परमेश्वर के दास के द्वारा इनके बेटे पर हाथ आया और जो भी रुकावट थी इनको संगति में जब आया और स्कूल में जो एडमिशन कराने में जो रुकावट आ रही थी, जब बता रहे कि अगले दिन ही स्कूल से इन्हें कॉल आई और उन्होंने इनको मैसेज दिया कि आप आए और अपने बच्चे की एडमिशन करवाएं। और जब जे स्कूल गए तो इन्होंने पूछा कि हमारे बच्चे का तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अभी बेटे का तो नहीं है, पर उन्होंने बोला कि आप इसकी एडमिशन कराएं। और जब बता रहे कि जैसे इसकी फिफ्थ क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो जो इसका सर्टिफिकेट वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। तो जब बता रहे कि समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ ना, 19 में हुआ था ना, तो जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन की वजह के कारण काम नहीं थे, लोग तो घरों में बैठे थे, तो इनकी बच्चों की फीस क्या होगी, जमा होगी, क्या होगी बोलो, कितने हजार हो गए, 2 साल जो स्कूल नहीं गए उस समय की और लॉकडाउन के समय की फीस टोटल उन्होंने बताया 90,000। 90,000 इन्हें माइक दो। जय मसीह की। जब लॉकडाउन हुआ, ओ भाई थोड़ा सा, जब लॉकडाउन हुआ तो 2 साल तक लॉकडाउन रहा ना, 2 साल तक बच्चे गए नहीं स्कूल, नहीं गए ना, तो उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद 2 साल फिर जाते रहे, नहीं गए, गए नहीं, मतलब पैसे जमा हो गए और उसके कारण गए नहीं। हाँ जी। तो पेपर पवाए ही उन्होंने। अच्छा, पेपर ले लिए थे, पेपर पवा दिए, पैसे लेके। हाँ, पैसे लेके, पैसे लेके, कितने पैसे लेकर, 2,000 देता। जब पैसे लिए, कितने लिए, 2,000। 2,000 लिए, तो तब जब पेपर लिए तो आपकी बेटी फिफ्थ क्लास में थी। हाँ जी। हाँ, तो इसकी तो पेपर तो उन्होंने ले लिए, इसके ये पास होगी, बोर्ड की होगी, है ना, पर जो बेटा था ये कौन सी क्लास में था, ये चौथी, चौथी में था। सुनो, अब ये पास तो होगी पर बाद में इनके पास पैसे नहीं थे कि ये दोबारा उस स्कूल में दाखिला ले सकें, पैसों की वजह के कारण, क्योंकि वो कहते थे पहले पैसे दो इतने, तो ये पैसों की वजह के कारण ये इनके बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाए। कितना समय तक नहीं जा पाए, 2 साल तक, इनके 2 साल बच्चों के खराब हो गए पैसों की वजह के कारण, क्योंकि पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए। सरपंच साहब से बात की तो सरपंच साहब जी बोले कि चलो क्या कर लो, इतने दे देते हैं, तो स्कूल वाले माने नहीं, बोले स्कूल वाले माने नहीं, वो कहते नहीं, कितने कहते थे स्कूल वाले, कितने पैसे दे दो, 90,000 से, कहते पूरे दो के आधे दे दो फिर रख लें, मतलब आधे दे दो फिर रख लेंगे, पर 15,000 जो कह रहे थे कि दे देंगे सरपंच साहब, उतने में नहीं रखेंगे, आधे दे तो मतलब कम से कम 45,000 दोगे तो हम आपके बच्चों को रखेंगे, पर इतने हैं नहीं थे, जिस कारण 2 साल खराब हो गए बच्चों के। क्या हो गई, अब काम, अब सोचा कि कहां पे जाना था अपने काम में, गग्गो माल क्या काम था वहां पे, किस चीज का काम करना था, पट्ठे का काम। इन्होंने सोचा कि
आपका वो गांव है? मेरे पेके। पेके, अच्छा। तो सोचा कि अब उस गांव में चले जाते हैं, वहीं पे काम करेंगे और वहीं पे बच्चों को दाखिल करा देंगे। जब दाखिले के लिए वहां पे गए, बोलो क्या गई, तो पहले तो यहां पे पता किया सरकारी स्कूल का, तो वो भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे बच्चों के दोनों को, तो स्कूल वाले कहते थे कि पहले पैसे दो फिर देंगे, क्या देंगे। तो यहां पे इस गांव वाले, इस गांव के जो स्कूल वाले थे, उन्होंने भी रखा सरकारी स्कूल वाले ने। तो अब सोचा कि अब अपने वहां पे गांव में चले जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे और बच्चों को वहीं पे स्कूल डालेंगे। आज अब वहां पे पता करने के लिए गई, बोलो क्या गई, तो मान गए कि पहले मना कर दिया, पहले मना कर दिया, साहब मना कर दिया कि अगर पहले सर्टिफिकेट लेकर आओ फिर दाखिल कर सकते हैं। फिर उनके मन में आया कि मना कर दिया, रास्ता कब खुला है? जब मना कर दिया तो जब 18 सितंबर की मीटिंग थी उसके बाद ना, हाँ देखो ये मेन पॉइंट है। अब उन स्कूल वाले ने भी मना कर दिया कि पहले क्या लेकर आओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब कैसे लें फिर, पंगा तो फिर वही है। पर जो मेरे मुंह से मैंने कहा था कि ये 18 सितंबर की जो मीटिंग है बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग है, बोलो क्या बड़ी, तो इन्होंने बड़े विश्वास से उसको लिया। क्या लिया उस मीटिंग को, ये घर से प्रार्थना करके आए। क्या आए बोलो, कि परमेश्वर जो तेरे दास के मुंह से आया है कि ये 18 सितंबर की बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग है, तो मेरा विश्वास है मेरे जो भी काम, जो भी मेरी उलझने हैं जीवन की, जो भी मेरे रास्ते बंद हैं, प्रभु इस मीटिंग में आप खोल चुके। और उस दिन ये विश्वास से आए, क्या है बोलो, और जैसे उस दिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था ना कि सब पर ले हैंड होगी, और जब ये आगे आए, क्या है बोलो, आगे आए इनके बच्चे, तो जब परमेश्वर का हाथ इन बच्चों पर आया, वो एक बंधन था, पर इनकी मन की वो तैयारी हन्ना के जैसे, समझ आ रही है। तो जब हाथ आया तो कैसे परमेश्वर ने रास्ता खोला, के क्या कहा स्कूल वालों ने इस बेटी के लिए, बाद में क्या कहा, फोन करके उन्होंने कहा अभी आ जाओ दाखिल कर, हाँ फोन कर दो, फोन किया आ जाओ दाखिल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसका रोल नंबर दे दो, हम वहीं से इसका सर्टिफिकेट निकाल देंगे, क्योंकि वो नंबर होता है ना, मतलब जब बोर्ड के एग्जाम होते तो एक नंबर, रोल नंबर दिया जाता है, तो उससे क्या निकल जाएगा। तो बेटी को तो क्या रख लिया, बेटी को तो अभी दाखिल कर लिया, पर बेटे को नहीं रखा, बेटी का रास्ता खुल गया पर बेटी को नहीं रखा, बोलो क्या है, बेटी को रख लिया पर बेटे को नहीं रखा। फिर कितने दिनों के बाद बेटे के लिए भी कॉल आई, फिर बुधवार तो बाद आई, नहीं नहीं कितने दिनों के बाद आई, जब नहीं जिस दिन आप यहां से मीटिंग करके गए, अगले दिन कॉल आ गई, बेटी को तो स्कूल में दाखिल कर लिया, तो बेटे को नहीं ना रखा, दोनों रख लिया पापा जी, हाँ दोनों रख लिया, अच्छा दोनों को रख लिया, दोनों को रख लिया था, पहले बेटी को रख लिया था, जब लेड होने के बाद बेटे के लिए कॉल आई और उसके बाद अगले दिन ही बेटे को भी एडमिशन दे दिया। ऐसे है ना, देखो ध्यान से, क्योंकि आपने ही ने लिखवाया, मैं सुन रहा था जब ये गवाही है कि पहले बेटी को रखा, उसके पहले बेटे को मना कर दिया, पर अगले दिन फिर कॉल आई, कहते ठीक है बेटे को भी ले आओ, पांचवी क्लास जब में जाएगा तो हम इसका सर्टिफिकेट अपने आप बना लेंगे, समझ आ रही है। 4 साल हो गए थे, 4 साल, समझ आ रही है। अब देख लो ये बोलो क्या है, ये है जब हम मन तैयार करते हैं। कितने सालों से ये उलझन में पड़े थे, समझ नहीं आ रही थी, बच्चे घर बैठे हैं,
बच्चों की लाइफ खराब हो रही है ना, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आजकल के जमाने में, समझ आ रही है। पर उस दिन बड़ा मन बड़ी तैयारी के साथ आए और खुदा ने देखो इनको, ये सोच रहे थे इतने ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। एक बार मेरे साथ मीटिंग हुई, ये कहते अब हम बोल रहे हैं कि वो कहते चलो 25 दो, पर इनके पास 25,000 का भी इंतजाम नहीं हो रहा, समझा नहीं। फिर कहते चलो 15, सरपंच ने कहा 15 दे दो, 15 भी नहीं, 25 भी नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। पर अभी एक 54 भी नहीं लगी और खुदा ने ऐसे सारा काम कर दिया, एक 54 भी नहीं लगी। क्यों जी? हाँ, कोई एक 54 भी नहीं लगी और ऐसे ही बच्चों को दाखिल कर लिया। ये बड़ा काम खुदा ने कर दिया, आमीन। इसलिए बड़ी तारीफ करो उसको। खोल देंदा है, खोल देंदा है, यीशु सकरे रवानो, खोल देंदा है, खोल देंदा है, खोल देंदा है, यीशु सकरे रवानो, खोल देंदा है, यीशु सकरे रवानो, खोल देंदा। सुनो, हाँ, अब इनके पति भी के गवाही भी बताओ साथ में। और इनके पति की गवाही जे जे बता रहे कि शेम ही नहीं होगे थे, जे भाई ऑटो बैटरी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो जे बता रहे कि इन्होंने नवी बैटरी ऑटो में रखानी थी, जिसके कारण इनके पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, और जिसके कारण जे भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। और आज से 6 महीने पहले जैसे जब इन्होंने मीटिंग अटेंड की, और जब बता रहे कि जब इन्होंने फिर पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, तो जो सिस्टर बता रहे कि खुदा ने अपने दास के द्वारा में वचन दिया था मेरे पति को कि अपने लगातार 3 संडे की मीटिंग अटेंड करनी है। और जैसे इस भाई को जो वचन दिया गया था कि अपने लगातार 3 संडे 3 हफ्ते मीटिंग में आना, और निश्चय परमेश्वर आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। पर जो बता रहे हैं कि इन्होंने इस वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं किया, और 6 महीने इनके ऐसे बीत गए थे, और ना तो कोई ऑटो के लिए नवी बैटरी का इंतजाम हो रहा था, ना पैसों का इंतजाम हो रहा था, और जे इस बात के लिए लगातार चिंता में थे, पर इन्होंने वचन नहीं पूरा किया। पर जैसे जब इन्होंने 18 सितंबर की जो मीटिंग थी, उससे पहले जब इन्होंने 15 सितंबर संडे की मीटिंग को अटेंड किया, तो खुदावन ने अपने दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया था कि जो 18 सितंबर की मीटिंग है वो आपके लिए ब्लेस्ड मीटिंग है। फिर इस भाई ने बुधवार की मीटिंग को भी अटेंड किया, जब इन्होंने 2 मीटिंग अटेंड की, और जब बुधवार की मीटिंग को इनके लिए भी ले एंड प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर ने जितनी भी 6 महीने से जो परेशान थे, रुकावट आ रही थी, और जो बता रहे कि उसी दिन ले एंड होने के बाद ही परमेश्वर ने इनके लिए पैसों का इंतजाम किया। और जो बता रहे कि जो बैटरी ऑटो जी चलाते हैं, उसमें जो नवी बैटरी इन्होंने रखवानी थी वो 43,000 रुपये की थी, और जो बता रहे कि जिससे परमेश्वर ने 20,000 रुपये का इंतजाम किया, और जो बता रहे कि बाकी के जो पैसे उसकी जो किस्तें इन्होंने कर लिए, तो आज बता रहे कि इनका ऑटो का जो काम है वो भी लगातार ही अभी परमेश्वर ने उससे भी इनको ब्लेस किया, जो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, और जो कि 6 महीने हो गए थे कि जो बहुत ज्यादा परेशान थे, पर जब इन्होंने वचन को नहीं माना, पूरा नहीं किया, तो जो 6 महीने इनके जब खुदा ने वचन दिया आज से 6 महीने पहले इस भाई साहब को कि 3 मीटिंग्स संडे की लगातार अटेंड करो, क्योंकि उस समय भी यही समस्या थी इनकी, काम नहीं है। बोलो के क्यों जी? यही समस्या थी ना उस समय भी, तो उस समय भी यही समस्या थी पैसों की। पर मैंने जब इनसे मिला तो इनकी मिसेज ने कहा कि ये जा तो रहे हैं, समझते बैटरी वो रिक्शा जो आजकल वो चलता है, तो ये जा रहे हैं पर कोई भी पैसे नहीं बन रहे, कोई बरकत नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनको बोलो मुझसे पहले मिलाओ। पर जब ये मिले तो मैंने कहा 3 संडे लगातार आना है, पर 3 संडे लगातार आने की बजाय ये 6 महीने नजर ही नहीं आए। बोले 6 महीने नजर ही नहीं आए, 6 महीने, पर 6 महीने खराब तो हो गए ना, क्या हो गए? बोले 6 महीने, 6 महीने खराब हो गए। अगर उसी समय ये वचन को मानते पूरा करते तो आज पता नहीं कितने आगे होते।
पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि फिर से जब मेरे मुख से परमेश्वर ने वचन दिया कि ये 18 सितंबर की मीटिंग जो हमारे चर्च की 5th एनिवर्सरी थी, बड़ी ब्लेस मीटिंग थी कि नहीं थी? थी ना? उस मीटिंग में बहुत से लोगों की टेस्टामनी बनी, बहुत से लोगों, अभी तक हम दे रहे हैं टेस्टामनी उस मीटिंग की। तो उस दिन ये भी आए, इन पर भी खुदा का हाथ आया और इनके लिए भी रास्ता खुल गया, पैसों का इंतजाम हो गया। कितने पैसों का? 43,000 था, पर उससे 20,000 का, 20,000 का बैटरी है तो 43 की थी, पर 20 का इंतजाम हो गया, बाकी किस्तें कर ली और बैटरी मिल गई और अभी अपना काम कर रही है। तो अब ये गलती दोबारा ना करना, क्योंकि अपनी बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कि शे दिन अपना काम करो। क्या करो? बोलो, शे दिन अपना काम करो। और सातवें दिन को उसने आशीष दी, क्योंकि शे दिन में परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया ना, तो उसने भी सातवें दिन विश्राम किया, आराम किया, और सातवें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। अगर आप आशीष चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो फिर वचन को मानो। क्या करो? बोलो, वचन को। तो अब ये गलती ना करना दोबारा। अब देखना परमेश्वर कितना आपको बढ़ाएगा, कितनी बरकत देगा। फिर आप दूसरों को बताओगे, जैसे 6 महीने खराब हो गए ना, फिर आप दूसरों को बताओगे कि नहीं नहीं, हो पाइयो जाके देखो, खुदा दे वचन पूरा करके देखो, सच में परमेश्वर सच्चा है। फिर आप दूसरों को समझाओगे, ठीक है? तो अब ये गलती दोबारा ना करना कि काम है जी, आज 500 की दिहाड़ी, आज 1,000 रुपये का काम आ गया, तो चलो आज भी छुट्टी मारो, ठीक है? खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा, ठीक है? तो धन्यवाद करो इन दोनों गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने कैसे बच्चों के लिए और इस भाई का साहब के लिए भी उस 18 सितंबर की जो बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग थी, उसमें जब ये शांस से आए कि परमेश्वर तेरे दास के मुंह से आया है कि वो मीटिंग बड़ी ब्लेस्ड है, प्रार्थना करके आए। सालों का बंधन था बच्चों का, उस दिन वो खुला, और उसी दिन ये भाई साहब का भी। इसलिए तारीफ करो, अपने स्थानों पे खड़े होकर पूरे मन से, पूरे शांस से। अगर आप में से भी किसी को ऐसे कुछ हालात हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं आपके घर में, फैमिली में, कारोबार में भी, बोलो क्या है, तो अपने मन को खुदा के लिए तैयार कर लो। क्या कर लो? बोलो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सबके साथ तैयार है। तो तारीफ करो जोर से, जोर से। खोल देता है यीशु सकरे रवानो, खोल देता है, खोल देता है, खोल देता है यीशु सकरे रवानो, खोल देता है, ओ यीशु सकरे रवानो, खोल देता है यीशु सकरे रवानो, खोल देता है, ओ यीशु सकरे रवानो, खोल देता है। सब अपने हाथों को उठाकर, खोल देता है, लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा और वादों का परमेश्वर है। वादों का परमेश्वर है कि नहीं? पर किसके जीवन में वो काम करता है? जो बने रहते हैं और खड़े रहते हैं और वचन को पूरा करते हैं। बोलो, क्या रहते हैं?
वचन को पूरा करते हैं। तो इसलिए वो सबके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमेन।